Yo. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money come in from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You're losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth. Sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? फिर से आ चुके हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। गाइस आज हम खेल रहे थे डू वर्सस स्क्वाड, और डू वर्सस स्क्वाड ए वाले इवेंट पे खेलेंगे। बस नहीं मचेगा ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो गाइस देर न करते हुए चले शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। तो इसी के साथ ही मैच का शुरुआत हो जाता है बर्फीला गाँव में। आप चारों तरफ गन तो ढूंढते हैं लेकिन गन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है यार, तो आइसक्रीम का डब्बा ही तोड़ना पड़ेगा। तो चलो गाइस आइसक्रीम का डब्बा तोड़ते हैं। अब मेरा लूट कंप्लीट हो चुका, सामने बंदा है तो चलो इसे पकड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ तो सस्ता ना से नहीं निकला यार। कौन भाई टीपीपी के ऊपर टीपीपी लेता है? तुम लोग ही बताओ यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन गाइस नीचे से भी फुटप्रिंट है, तो सबसे पहले हम गेट बंद करते हैं, नहीं तो गाइस सीढ़ी पे बहुत गलत वाला सैंडविच बन जाते हैं। तो चलो इसे पकड़ते हैं। इस लपर चाचू को तो सीढ़ी पेटी बना देते। लेकिन कैसे हम लूट ही कर रहे थे, उसी टाइम पे से गाइस सामने से भी फूट आता है कि सामने के साइड पे भी कोई बंदा होता है। शायद गाइस इसका गर्लफ्रेंड होगा यार, देखते गाइस। चाचा आ रहा है। लेकिन एक सेकेंड, रोलेक्स कोई गर्लफ्रेंड का भी नाम हो सकता है क्या? सोचने वाला बात है। चलो छोड़ो यार। अब गाइस देखो, हम लोग ऊपर आते तो नीचे से एक स्क्वाड हम लोग के ऊपर पुश करते। अब गाइस ये वाला क्लास देखो यार, आप लोग को देख के मजा ही आ जाएगा, क्योंकि दिमाग का खेल है बाबू भैया, दिमाग का खेल है। अब नीचे से पुश कर, उससे पहले हम गेट ब्लॉक करते थोड़ा सा। अब बंदा सामने आ चुका है। अभी से अच्छा को नॉक करते हैं। लेकिन गाइस इसका बंदा भी है, जल्दी से मुझे हील भी करना पड़ेगा। अब मेरा हील कंप्लीट हो जाता है। लेकिन गाइस इसी का स्क्वाड तो पूरा नीचे बैठा हुआ है यार, तो जल्दी से आइसक्रीम का गोला बनाते, देन ऊपर चढ़ते हैं। देन देखो और एक नॉक। awesome. सीढ़ी पे और भी बंदा है, तो हम नीचे की साइड में सीढ़ी पे मॉली कर देते कि बंदा भाग ना सके। ये चाचा इधर क्या कर रहा था? अब देखो ये चचा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुम लोग मुझे मार दोगे भैया, ऐसे नहीं होता यार। गाइस आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो यार, अगर कोई नया देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दो भाई, समझ के थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। अब देखो मेरा भाई संता का गिफ्ट आ गया, तो जल्दी से हम लूट लेते हैं। और मुझे क्या मिला भाई? अब एम के मिला। आप लोग को पता है ना यार, एम के जब मेरे साथ होता है तो भैया कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, कोई मुझे मार ही नहीं सकता। क्यों बोलते गाइस? देखो यार देखो, थोड़ा सबर करो, पता चल ही जाएगा। अब एक बॉट मारने के लिए कैसे हम नीचे आते हैं। लेकिन कैसे इधर बॉट सिर्फ नहीं होता है यार, बंदा भी होता है। तो चलो गाइस देखो कैसे पकड़ते हैं सबको। अब इस बॉट चाचा का पेटी बनाने के बाद गाइस सामने से मुझे फुटप्रिंट आता है, तो मुझे पता है कि सामने के साइड में कोई बंदा होगा। अब देखो अब इस चाचा का तो पेटी बना देते। लेकिन उसी टाइम पे लेफ्ट साइड से भी मुझे पड़ता है, और भाई एक बंदा धन्नो लेके भी हम लोग के ऊपर पुश कर देता है। तो देखो गाइस इन दोनों का कैसे पेटी बनाते। तो सबसे पहले जल्दी से कवर में जाते हैं। अब मेरा टीममेट नॉक फिनिश हो जाते हैं तो हम अकेले बचते हैं। लेकिन भैया मेरे पास कौन सा गन है भाई? द गॉड गन एम के है भैया, तो ऐसे तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। अब देखो गाइस फाइट कैसा होता है। अब हम पूरा फंस चुके हैं इसी घर में, क्योंकि ये राइट साइड में बंदा है और मेरे ऊपर पुश भी हो रहा है, तो बाहर भी नहीं जा सकते। अब बंदा तो ट्रिक यूज करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है यार, लेकिन बंदा ट्रिक यूज कर नहीं पा रहा है, इसकी वजह से डायरेक्ट को रश करता है। भाई एमके के सामने कोई टिक
सकता है क्या? ऐसा नहीं होगा यार, क्योंकि मेरे पास है एमके था गॉड गन। अब देखो गाइस, ये वाला बंदा क्लियर हो जाता है, लेकिन गाइस आखिरी बंदा अभी भी बचा जो लेफ्ट साइड में पहले से बैठा हुआ है। तो उसके लिए गाइस अलग ही प्लान करते हैं यार, मतलब सामने से तो जा ही नहीं सकते। अब देखो गाइस, इसके वजह से हम पूरा रोटेशन मारते हैं। अब रोटेशन मार के हम आगे जाते हैं। अब देखो गाइस बंदा कहां पे होता है। लो भैया तो ठिल गया यार, एमके के सामने कोई टिक सकता है क्या? कभी नहीं। अब देखो 11 किल हो चुके, इधर पूरा क्लियर हो जाते तो हम निकल जाते मेरा टीममेट्स को लेके। अब टीममेट्स को लेके जा रहे तो सामने भैया बॉट चाचा भी मिल जाते, तो उसका भी किल ले लेते, लेकिन भैया थोड़ा स्टाइल मार के। अब देखो ये बॉट चाचा को मारने के बाद अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है यार। अब हम लोग शॉप पे जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे देखते हैं कि शॉप में भाई पहले से ही बंदा बैठा पड़ा हुआ है यार। देखो अब हम सीधा नहीं जा सकते, तो भैया रोटेशन मार के तो जा ही सकते हैं ना यार। तो चलो गाइस रोटेशन मार के सामने वाले घर में जाते हैं। लेकिन गाइस इन लोग को भी पता है कि हम रोटेशन मार के इसी घर में आने वाले, तो पहले से इधर बैठा है भाई साहब। पूरा एचपी डाउन कर चुका है, तो जल्दी से मुझे हील करना पड़ेगा। अब सामने एक, अब इधर से गाइस किसी को मार ही नहीं पा रहे थे यार, तो इधर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे भाई गलत लेवल का फिर से पड़ जाता है, तो बंदा भी पुश कर देता है। दिख भी तो नहीं रहा है सामने। अब सामने ही बंदा, तो जल्दी से हील करना पड़ेगा। अरे यार सुश्री के फिर से डैमेज दे दिया यार, फिर से मुझे हील करना पड़ेगा। भैया थोड़ा सा तो सबर कर लो यार, इतना काहे गुस्सा हो गया भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब लेकिन गाइस रुको, मेरा हील हो चुका है। अब देखो बंदे को पकड़ लो भैया, एम के है भैया मेरे पास, लेकिन और एक बंदा सामने। अरे सुश्री के चचा कहीं का भैया ड्रॉप शॉट देने के लिए कौन बोलता है यार, भैया अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप शॉट दे दिया। चलो कोई बात नहीं, उधर बच जाते। अब ये वाला हिल पे आते तो इधर दो बंदा होता है, पहले ही मुझे रिकॉल से दिख गया, तो इसकी वजह से हम इधर डायरेक्ट रेस्ट कर देते। अब देखो इस बंदा तो स्पॉट नहीं हो रहा था, तो स्पॉट करने की कोशिश करते, उससे पहले थोड़ा सस्ता नशा भी कर लेते यार, नशा नहीं होगा तो भाई फाइट करने में मजा नहीं आएगा। अब देखो सामने की साइड में कहीं पे तो लेटा हुआ, ये तो पक्का पता है, लेकिन कहाँ पे ये नहीं पता। देन आगे जाते ही बंदा स्पॉट हो जाता है। अब एक अरे चचा गन स्विच करने के लिए जा रहे, तो भाई स्वाइप हो जा रहे भाई स्क्रीन, क्या ही बोले। कोई बात नहीं, फिर से मेरा टीममेट्स मुझे बचा लेते, क्यों मेरा टीममेट्स भी जॉड है। अब देखो हम रिवाइव हो जाते, हील हो जाते, देन गाइस हम लोग को सर्कल में भी जाना होगा। जिस सर्कल में जा रहे थे भाई, उसी टाइम पे और एक स्क्वाड गाइस लेफ्ट साइड से गलत लेवल का मारने लगता है। पूरा स्क्वाड उधर ही हिल पे बैठा हुआ है, तो फिर से हम रोटेशन मारते हैं। अब रोटेशन मार के गाइस ये वाला घर में आ जाते हैं, तो देखो गाइस इन लोगों के साथ अलग लेवल का फाइट होने वाला है, और एमके का पावर भी आप लोगों को दिखाने वाले। अब देखो ये वाला बाना उस पे आते, तो ऊपर जाते पहले। अब आगे बंदा स्पॉट हो जाता है जो बग्गी के पास होता है। तीन बंदे मेरे को उधर दिखे। अब ये चची को क्या सस्ता नशा चढ़ गया था मुझे नहीं पता यार। अब उसका तो पेटी बना देते, लेकिन इन लोगों के साथ अलग ही फाइट होने वाला है। देखो बंदा स्मोक का कवर बनाते हैं। हम भी डैमेज दे रहे हैं, वो लोग भी डैमेज दे रहे हैं, तो भाई डैमेज खेल तो बहुत टाइम से चल रहा था। अब देखो भाई हम बोले छोड़ो यार, अब तो भैया इन लोगों का पेटी बनाना पड़ेगा, तो हम क्लोज ही नहीं कर रहे थे। देन उसी टाइम पे मेरा टीममेट्स एक बंदे को नॉक कर देता, यही भाई मौका था क्लोज इन करने के लिए, तो हम क्लोज इन कर ही लेते हैं। अब देखो गाइस इधर दिमाग क्या लगाते हैं, हम लोग भी सर्कल में नहीं है, वो लोग भी सर्कल नहीं है, लेकिन गाइस उन लोग को पहले आना पड़ेगा। अरे लास्ट सर्कल चले तो बहुत गलत लेवल का डैमेज देने वाले, तो जितना भी बर्फ का गोला होता है भाई फेंक देते, तो मेरा टीममेट फिर से एक बंदे को नॉक करते, लेकिन अभी भी दो बंदा है। अब देखो सर्कल स्टार्ट हो चुका है, अब बंदा आने वाला है। एक बंदा इधर पहुंच गया पूरा,
मेरे मार्क पे। अब मेरा टीममेट्स भी नॉक हो जाएगा। अभी के एक चच्चा दिखा। नहीं यार, जोन में आने नहीं दिया मेरे को। इसको नॉक किया, इसका बंदा भी आ रहा है फिर से। आपके पीछे। डैमेज क्या है? एक नंबर। अब इन दोनों को तो एमके का पावर दिखा देते यार, तो आखिरी बंदे को पावर दिखाने के लिए जा ही रहे थे। लेकिन भाई देखो यार, बंदा सामने से आ रहा था लेकिन उसी टाइम पे मैं सर्कल में मार गया यार, क्या ही बोले गाइस। लेकिन मजा बहुत आया यार। अब देखो गाइस, ये मेरा नया वाला इमोट है, थोड़ा तो शो ऑफ करना पड़ेगा ना यार। तो चलो गाइस, 17 किल के साथ ये वाला गेम प्ले इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग का आज का गेम प्ले अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नया धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।